हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ सुरेंद्र। और दोस्तों, अपन अध्ययन कर रहे थे सामाजिक बुराइयाँ, जिसके तहत अपन ने पहला टॉपिक लिया था बाल श्रम। क्या लिया था? बाल श्रम। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। अगर बात करें रीट लेवल फर्स्ट के लिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावनाएँ बहुत अधिक है। जिसके बाद दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप तैयारी कर रहे हो RAS मेंस या UPSC मेंस, तो इनमें भी ऐसे पूछा जाता है ऐसी समस्याओं के ऊपर, तो उन लोगों के लिए भी ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। उस वीडियो को देख लीजिएगा जिसमें बताया गया है कि बाल श्रम है क्या, और तथा बाल श्रम कितनी एज तक के बच्चों में लागू होता है। भारत सरकार यहाँ पर 14 वर्ष तक मानती है, पर बाल श्रम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है वो मानता है दोस्तों 15 वर्ष तक के बच्चों को। अगर वो कोई कार्य कर रहे हैं जोखिम भरा, तो उसको बाल श्रमिक मानेगा। तथा मैंने इस पहले वाले वीडियो में ये बताया कि 2011 की जनगणना हुई, उसमें कितने बाल श्रमिकों को नोटिस किया गया और राजस्थान का कौन सा स्थान है। क्योंकि राजस्थान की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जो बहुत ज़रूरी है कि अपन ये भी जाने कि राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो मैं यहाँ पर एक बार फिर बता देता हूँ आपको कि राजस्थान का इसमें 6 छठवें नंबर में स्थान है, यानी कि छठवां स्थान है राजस्थान का। जिसके बाद दोस्तों, मैंने बताया कि संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स है, उसमें क्या प्रावधान किया है बाल श्रम को निषेध करने के लिए। डीपीएसपी में क्या बताया है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, उसमें किस प्रकार के प्रावधान किए हैं शिक्षा को बढ़ाने के लिए और बाल श्रम को रुकवाने के लिए। जिसके बाद अपन ने फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में भी देखा कि ये भाग चार में है, और 51 के तहत क्या कहा है, 51 ए के तहत या 51 क के तहत कहा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको शिक्षा अनिवार्य है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन ने पहले वाले वीडियो में देख ली। तो अब देखते हैं अपन विभिन्न कानूनों के बारे में कि किस प्रकार के कानून बनाए गए हैं भारत सरकार ने, ताकि जो बाल श्रम है वो रोका जा सके। सबसे पहले तो बहुत इम्पोर्टेंट है कारखाना कानून 1948। यहाँ से क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा, पर सबसे पहले जो कानून बना था वो यही था दोस्तों, कारखाना कानून 1948। इसके तहत क्या कहा है वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगा। सबसे पहले तो इसमें कहा दोस्तों, बालकों और महिलाओं दोनों के लिए कहा है, बालकों और महिलाओं के लिए, कि शाम को 7 बजे से सुबह 6 बजे तक वो कार्य नहीं करेंगे, यानी कि रात्रिकालीन ड्यूटी नहीं करेंगे। आज के टाइम पर सिनेरियो अलग है, अब बदल गया है दोस्तों एनवायरनमेंट। अब महिलाएं भी नाइट शिफ्ट करती है। जैसे कि बात करें अस्पताल में, तो जो नर्सेज की पोस्ट पर महिलाएं होती है वो रात को भी कार्य करती है, पर बच्चों के लिए अभी भी ये सख्त लागू है, बच्चे रात में कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, ये था दोस्तों 1948 के कारखाना कानून में। गुरुपद स्वामी कमेटी क्या थी, वो सारी चीज़ें मैंने पहले भी बताई कि इसको मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो जी, इस वीडियो में अपन डिस्कस कर लेते हैं गुरुपद स्वामी कमेटी। दोस्तों, ये वो कमेटी थी जिसने बाल श्रम को रुकवाने के लिए अपनी जो रिफॉर्म्स है वो बताई। मतलब इन्होंने रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद इन लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि बाल श्रम को किस प्रकार रोका जाए। तो इन्होंने जो सबसे पहले कहा कि जब तक भारत में गरीबी रहेगी तब तक बाल श्रम रहेगा, यानी कि सबसे पहले गरीबी को दूर करना पड़ेगा अगर बाल श्रम ख़त्म करना चाहते हो तो। गरीबी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। इनके बाद इन्होंने शिक्षा को भी कहीं हद तक जिम्मेदार बताया। शिक्षा इलिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा होने की वजह से भी बाल श्रम बढ़ रहा है। पर ये क्या, इसको दूर किया जा सकता है? तो इन्होंने कहा है इसको पूर्णतः दूर नहीं किया जा सकता। इसलिए इन्होंने कहा कि जोखिम पूर्ण धंधों में बाल श्रम को प्रतिबंधित किया जाए, यानी कि जो कारखाने हैं, कारखाने 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 जहाँ पर जोखिम अधिक होता है, या फिर ऐसे उद्योग जो कि जानलेवा हो सकते हैं, या फिर बहुत सारे
बहुत सारी सावधानियां जहां बरतनी पड़ती है, बहुत सारी सावधानियां जहां बरतनी पड़ती है, तो वहां पर बच्चे कार्य नहीं करेंगे, उनको क्या माना जाएगा? अगर वहां कार्य करते हैं तो उनके मालिक को सजा दी जाए, वहां पर बाल श्रम को प्रतिबंधित किया जाए। पर कहां पर बच्चे कार्य कर सकते हैं? जी, ये भी जानना जरूरी है, बच्चे अपने पिताजी के कार्यों में हाथ बटा सकते हैं। जिस प्रकार कोई दुकान है या फिर कोई उनका घरेलू धंधा है या कोई कृषि कार्य है, तो वहाँ पर बच्चे उनके पिताजी का हाथ बटा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो ग्रुप यहाँ पर बताया मैंने, जो गुरुपद स्वामी जी की जो कमेटी बनी थी, उसके जो डिस्कशंस किए गए, उसमें जो डिस्कशंस किए गए और उन्होंने जो कानून बताए, सरकार को बताया कि ये एक नियम लागू किए जाने चाहिए, तो सरकार ने उसी के आधार पर 1986 का बाल श्रम कानून बनाया। 1986 का बाल श्रम कानून क्या है दोस्तों? इसकी मोटी मोटी चीज़ें हैं जो बता दूं मैं आपको। उन्होंने कहा सरकार ने कि घरेलू इकाइयों को छोड़कर सभी कारखानों एवं कार्यों में बाल श्रम निषेध है, यानी कि जो घरेलू इकाइयां हैं वहां पर कार्य कर सकता है बच्चा, पर कारखाने और सभी प्रकार के कारखानों में कार्य नहीं करेगा बच्चा। कितना, कौन से बच्चा? जो 14 वर्ष से कम उम्र का है, 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है वह कारखानों में कार्य नहीं करेगा। इसी के आधार पर दोस्तों राष्ट्रीय बाल श्रम नीति बनाई 1987 में, और उसी में कहा गया कि 14 जून को, 14 जून को, यहाँ पर बता दूँ मैं दोस्तों, 14 जून के लिए, सॉरी 14 नहीं, 12 जून के लिए कहा है, 12 जून को बाल श्रम विश्व बाल श्रम दिवस मनाया जाएगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम दिवस मनाया जाएगा। कब? 12 जून को, ये ध्यान रखना है, 12 जून। दोस्तों इसको 12 जून को याद कैसे रखेंगे? देखो, 5 जून को तो आता है विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस के 7 दिन बाद बाल श्रम दिवस मनाया जाता है। तो ये कब से लागू किया? ये किया है दोस्तों राष्ट्रीय बाल नीति जो 1987 की आई, उसके बाद से राष्ट्रीय बाल श्रम दिवस मनाया जाना शुरू किया गया। अब दोस्तों, अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो क्या किया जाएगा? इसका जब अगर कोई उल्लंघन करता है तो 10 से 20 हज़ार तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, साथ में 3 माह से 1 वर्ष तक की सजा दी जा सकती थी, 1 वर्ष तक की सजा दी जा सकती थी। तो ये बना था कानून 1986 में, और इसमें क्या-क्या कहा? पहली बात तो ये कही कि कोई भी कारखाने में कोई भी बाल श्रमिक कार्य नहीं करेगा, पहली बात तो ये कह दी साहब। दूसरी, घरेलू इकाइयों में वह अपना हाथ बटा सकता है कोई बाल श्रमिक, यानी कि कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र 14 साल से कम है, तो वह अपने पिताजी के जो घरेलू कार्य हैं वहाँ पर हाथ बटा सकता है, पर कारखानों में काम नहीं करेगा। दूसरी बात उसने उस नियम में कही कि अगर कोई इस कानून का उल्लंघन करता है तो 10 से 20 हज़ार रुपये का जुर्माना लगा दिया जाएगा, प्लस उसे 3 माह से 1 वर्ष तक की सजा भी दी जा सकती है। जिस प्रकार अपन देखते हैं ना कि बिना टिकट की यात्रा, बसों में देखा होगा आपने, बिना टिकट की यात्रा की तो 250 रुपये का जुर्माना प्लस 3 माह की सजा, या फिर दोनों ही। इस प्रकार यहाँ भी ये कहा गया कि 10 से 20 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है, 3 माह से 1 वर्ष की सजा दी जा सकती है, या फिर दोनों भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, संशोधन हुआ दोस्तों 2015 में। तो अभी तक जो पढ़ा अपन ने, उनमें से एक तो इम्पोर्टेंट है गुरुपद स्वामी कमेटी, जिसके बाद थोड़ा सा ये जानना है कि 1986 का बाल श्रम कानून बना और उसमें जुर्माने की ये राशि रखी। ठीक है, अब आपको याद ये रखना है कि संशोधन किया 2015 में, उसमें जुर्माना क्या रखा गया और किस प्रकार की सजा का प्रावधान किए गए, ये एग्जाम में पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, मई 2015 में एक कैबिनेट कमेटी द्वारा एक संशोधन किया गया, जिसमें कहा कि बच्चे पुश्तैनी कार्यों में हाथ बटा सकते हैं, जो पहले भी कहा था, खतरनाक कार्य पर, जो खतरनाक कार्य हैं वहाँ पर कार्य नहीं करेंगे, जैसे एसिड फैक्ट्री है वहाँ कार्य नहीं करेंगे बच्चे। ठीक है, जिस प्रकार चावल चावल साफ करने की फैक्ट्री है वहाँ कार्य नहीं करेंगे, जिस प्रकार तेल निकालने, जैसे ऑयल, जहाँ ऑयल बनाया जाता है वहाँ पर कार्य नहीं करेंगे, या एसिड वाले जगह पर तो काम करेंगे, यानी पत्र वाले, जहाँ कार्य पत्र के कारखाने हैं वहाँ पर कार्य नहीं करेंगे, यानी कि खतरनाक कार्य जहाँ पे किए जाते हैं वहाँ पर बच्चे इन्वॉल्व नहीं होंगे। ठीक है,
स्कूल स्कूल के लिए कहा कि स्कूल जाना ही है, ये तो इम्पोर्टेंट है कि स्कूल तो जाना ही है, बच्चों को स्कूल जाना है, घरेलू कार्यों में नहीं झोंकना है, ठीक है। संशोधन, अब बाल श्रम दोषी, अगर कोई व्यक्ति या कोई मालिक किसी छोटे बच्चे को अपने यहाँ कार्य करने के लिए रख लेता है और वो पकड़ने में आ जाता है तो वो कहलाएगा बाल श्रमिक दोषी, बाल श्रम दोषी कहलाएगा वह, ठीक है। तो उसको क्या सजा दी जाएगी दोस्तों, यहाँ पर अब नए संशोधन में कहा गया है कि 3 साल की सजा दी जा सकती है उसको और 50,000 रुपये का जुर्माना, या फिर दोनों ही दिया जा सकता है। पर क्या ये पहली बार ही अगर पकड़ाई में आया कोई व्यक्ति तो उसको ये सजा दी जा सकती है? जी नहीं, यहाँ पर वो भी प्रावधान किए गए हैं। पहली बार तो बच्चे के जो माता पिता है उनको चेतावनी दी जाएगी, अगर दूसरी बार भी जो बच्चे के माता पिता है बच्चे को किसी कार्य के लिए भेजते हैं तो उनसे 10,000 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा। फिर अगर तीसरी बार भी आते हैं तो फिर उनसे ये वाला जुर्माना लगाया जाएगा, या फिर सजा दी जाएगी, 3 साल की सजा दे दी जाएगी या फिर 50,000 रुपये का जुर्माना दे दिया जुर्माना लगा दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। जिसके बाद फिर दोस्तों यहाँ कहा गया कि कहाँ कार्य कर सकेंगे, ये भी तो इम्पोर्टेंट है कि बच्चे बिल्कुल कार्य करेंगे। पहले ये वाले नियम में भी कहा, इस नियम में भी कहा कि बच्चे कार्य कर सकते हैं, पर कहाँ पर कार्य करेंगे? तो दोस्तों एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जैसे बालवीर, देखो देखा होगा ना बालवीर, बालवीर और एक वो आता है दिल से बुलाया, क्या आता है वह, अल्लादीन आया। तो मतलब इस प्रकार के जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में जो प्रोग्राम्स आते हैं उनमें कार्य कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। बच्चे इन जो प्रोग्राम्स होते हैं, नाटक होते हैं, उनमें काम कर सकते हैं। विज्ञापन, तो विज्ञापन के तो बहुत सारे देखे होंगे दोस्तों, वॉशिंग मशीन का आता है या फिर कोई बिस्किट का आता है या बोर्नविटा का आता है, वहाँ पर देखा होगा आपने कि बच्चे कार्य करते हैं, तो विज्ञापन इंडस्ट्रीज में भी कार्य कर सकते हैं बच्चे। फिल्मों में देखा होगा कई बच्चों का रोल, तो फिल्मों में भी काम कर सकते हैं। धारावाहिक, टीवी जो धारावाहिक होता है उनमें भी बच्चे काम कर सकते हैं, टीवी सीरियल में काम कर सकते हैं। सर्कस में, जी सर्कस में काम नहीं कर सकते, ये याद रखना है आपको, सर्कस में बच्चे बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते। अगर सर्कस में बच्चे कार्य करते हुए पकड़ा गया कोई तो उस पर जुर्माना लगना कन्फर्म है। तो कितना जुर्माना लगेगा आपको पता ही है, 3 साल की सजा हो सकती है, 50,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है, या फिर दोनों भी हो सकता है। मैंने एक बार बताया था आपको कि 1987 की जो बाल श्रम नीति बनी थी उसमें कहा था कि 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाएगा। बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को। तो ये भी आपको याद रखना है। एक चीज़ दोस्तों यहाँ पर और बता दूँ मैं आपको कि 1990 का जो दशक था, 1990 का जो दशक था उसको बालिका दशक दशक मनाया, बालिका दशक के रूप में मनाया। और ये भी कहा गया था कब, जो 1987 की बाल श्रमिक नीति थी, ये यहाँ पे लिखा बताया मैंने, राष्ट्रीय बाल श्रमिक नीति बनी थी 1987 में, इसी में दोनों प्रावधान किए थे, कौन कौन से, 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस और 1990 का दशक बालिका दशक के रूप में मनाया जाएगा। और जो ये बालिका दशक है 1990 का, ये केवल भारत में नहीं था दोस्तों, ये सार्क देशों में भी मनाया गया था, सार्क देशों में भी ये मनाया गया था। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पर इसी प्रकार के बहुत सारे वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।